मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी ना, इसलिए मैं काम करने जाती थी। अब जैसे कि मेरे पापा सिर्फ अकेले काम करते थे तो उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी, और लॉकडाउन में हम लोग पढ़ लिख नहीं पाए। कोविड हैज एक्चुअली क्रिएटेड अ ह्यूज लॉस इन द लाइव्स ऑफ मेनी ऑफ दिस स्ट्रीट कनेक्टेड फैमिलीज एंड स्पेशली द यूथ हैड सफर्ड अ लॉट। सो चेतना हैंड टॉय बॉक्स हैड जॉइंड हैंड टू रिलीज ए कोविड इमरजेंसी रिलीफ फॉर सच यूथ सो दैट दे कैन हैव मीनिंगफुल लाइवलीहुड नाउ। जैसे मेरे पास सिलाई मशीन आ गया तो मैं चेतना की तरफ से आया, चेतना वाले को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो अब इसी मशीन से हम अपना भी कपड़ा सिलेंगे और अपनी फैमिली का भी और बाहर का भी सिलेंगे ताकि हमें और हेल्प मिल सके और हम भी अपनी फैमिली की मदद कर सकें। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे और आगे जाएं। लड़की हैं, जानते हैं किचन का काम, मगर लड़कों से किसी कम नहीं है। आज वो मेहनत करके वो रोटियाँ खिला रही हैं, हमको भी अपना भी खा रही हैं। And actually this will create a larger impact when this will be a long-term solution to fight from this situation. And if they learn, so what we are planning also is to give them an advanced training in some institution so that they can even get the better machines at the later part, and that will be a permanent solution for their future.